नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। अज गुरदासपुर विच कोरोना मृतक व्यक्ति के हिसाब नाल होई बेअदबी, क्योंकि शमशान घाट के दरवाजे नूं लगा दिता सी ताला, कारण सी शमशान घाट विच चल रहा विवाद। जिक्र जो है कि गुरदासपुर के शमशान घाट की सेवा कर रहे मानव कर्म मिशन ट्रस्ट के मैंबर अते शमशान घाट विच चल रहे साधु नाथां विचकार आपसी कलेश के चलदियां मानव कर्म मिशन ट्रस्ट के मैंबर ने शमशान घाट के गेट नूं ताला लगा के कोरोना मृतक देह का संस्कार होने तो रोक दिता अते शमशान घाट के गेट के बाहर साधु नाथां के खिलाफ रोस प्रदर्शन करना शुरू कर दिता। एक घंटा लाश गेट के बाहर ही सड़क पर पई रही। इस मौके पर पुलिस ने पहुँच के दोनों धिरों को समझा के लाश का करवाया अंतिम संस्कार। इस संबंधी जानकारी देंदिया होया मानव कर्म कमीशन ट्रस्ट के मैंबर ने दसिया कि शमशान घाट विच कुछ नाथ साधु रह रहे हैं जो कि शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और नाथ साधुओं ने शमशान घाट विच चल रहे काम को रोक दिता है, जिसके वजह ट्रस्ट के मैंबर ने शमशान घाट के गेट को ताला लगा दिता है और कोरोना मृतक देह का अंतिम संस्कार करने तो रोक दिता है। उन्होंने कहा कि जो तक इन्हों नाथां के खिलाफ कार्रवाई नहीं होंगी वो किसी भी मृतक देह का अंतिम संस्कार नहीं होन देंगे। जबकि इस संबंधी मृतक के परिवारिक मैंबर ने जानकारी देंदिया होया दसिया कि गुरदासपुर के शमशान घाट विच कोरोना मृतक देह का अंतिम संस्कार करन पहुंचे सन, पर इस शमशान घाट विच ट्रस्ट अते साधुओं विच विवाद चल रहा है, जिस करके ट्रस्ट के मैंबर ने शमशान घाट के गेट नूं ताला जड़ दिता है। उन्होंने मृतक देह एक घंटा बाहर सड़क पर रखी रही, जिस कारण सानू काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा इस तरह लाश की बेअदबी ना की जाए, जेकर कोई मसला है तो प्रशासन के ध्यान में लिया के खत्म किया जाए। इस तरह लोगों को परेशान ना किया जाए, वो तो पहला ही परेशान हैं। साड़ी कोई समस्या नहीं है जी, इस कोरोना काल तो लैके हूँ तक ये मानव कर्म मिशन जो 92 तो लगा दा भगत चिरंजी लाल जी सेवा करते सी, उस तो बाद भंडारी सी सुभाष महाजन सी, अज जिहड़ा राजू कर रहा। इस सेवा की आड़ च असी वेख्या कि कुछ लोगों ने वेख्या कि प्रॉपर्टी है, बाहर दुकाना है, शॉप्स है, उन्हां दी इन्हां दी माड़ी दृष्टि पै गई। भू माफिया लोगों ने बाबिआं नूं अगे करके जिहड़े सत्कार योग पूजन योग ने उन्हां नूं मिसयूज़ किया। अज हालात यह पैदा हो गए ने कि तीन वारी साडे बंदिआं नूं कुट्टिया गया, रात में शराबा पी के शराब चिता के उपर रोड़िया गई। परसों जरा रात 10:30 बजे एक बंदा आया, राजू ने फोन गया, प्रधान जी बजुर्ग ने मैनू फोन आया, राजू ने गए इत्थे इकट्ठे होए, उहदे बंदे नूं असीं कहिंदे पहला साडी सेवादार नूं कुट्टिया, फिर असीं उहनूं चपेड़ा मार के कढ़िया। तों ये जगह असीं दित्ती सी थोड़ी जी जगह गऊशाला नूं, इन्हां बंदिआं ने गऊशाला के बंदिआं दे एलीगेशन ला के दड़ाया। 5 किलो दुध जांदा सी बिरध आश्रम, वह बंद किया। अज गऊशाला शुरू गाउणा नहीं शुरू हो गई। माननीय सारे MLA साहब ने रंजू ने फैसला कराता कि जो हैगा हैंड ओवर कर दो, गऊशाला ने हैंड ओवर करती, सारिया गोलकों चाबियां देती। अज ये हालात हो गए कि प्रशासन गौरमेंट ने काम लाया, पाड़ा साहब ने बड़ी अच्छी सानू ग्रांट दी भी बहुत वधिया काम हो रहा, ग्रांट दी वो काम लगा सी, इन्हां बंदिआं ने आके लेबर नूं दड़ाता। किन्ना बंदिआं ने? बाबे होणा ने, बाबे लेबर दड़ाती है। लेबर ने फोन किया राजू नूं, राजू है, राजू दे गल पै गए ने असीं क्यों किया, साडी मजबूरी सी, सानू जरूरी सी कि ये शहर वासियों नूं पता लगे कि एक टीम जिहड़ी है ये पूरा संस्कार कर रही है। गुरदासपुर के विच अगर असी बांह खड़ी करके गए, जिन्हें दो बंदे हैल्थ वर्कर आने ने, सानू PPE किटा नहीं मिली, साडे ट्रस्ट ने वाइड कराइया, देसी गोदा पीपा रखा था संस्कार के, और इन्हों कहता सी कि साडा ये रोस चे तुहाडा संस्कार भी होएगा, अगर अनमैरिड है तो असी रात पहरा भी देंगे। अज पोजिशन आ गई, साडा हर जिहड़ा सी साम दाम दंड का वरत्या होया फार्मूला बेकाब हो, मतलब अनर्थ हो गया, और सानू मजबूर हो के यह कहना पाया
कि साढ़े कंधों बेबस है, असी संस्कार उदन ही होएगा। और मैं स्पष्ट कर दिया ये असी कल तो शमशान घाट में लाग कर रहे हैं, जब तक साडा फैसला नहीं हुंदा तद तक संस्कार कोई नहीं होगा। कोई कसूर नहीं जी, पुछो घर वालों नूं, असीं उन्हां नूं कहा भी संस्कार करांगे, सानूं पहला कहता और अंदर चिदा शुरू कर दी सी। बिल्कुल नहीं जी, 40 मिनट होए ने जी जिहड़े परिवार नाल आए ने, परिवार नाल लै के आए, ओह कहिंदे वी असीं तां मेंटली हरासमेंट पहलां हो चुक्के आ क्योंकि इह बड़ी भयानक बीमारी आ, परिवार चल गया उन्हां दा, हैना। ओह कहिंदे हां फिर इत्थे 40 मिनट दी आप नूं कह रहे वी 40 मिनट होए परेशान होंदे। असीं पहलां मंगिया सी कि साडी मजबूरी आ जी, तुसीं इत्थे टॉर्चर हो गए ने। जिसले कोई एजुकेशन होंदी है पेशेंट नूं, अज सीआरपी दी गड्डी नूं रोकता पेशेंट पाया दा, ये तो डेड बॉडी करन क्या हुण हाल हैगा। असीं संस्कार करावांगे, अदब नाल करावांगे, साडे प्रधान जी कोल बाकी दी पुछो, राजी होणा पुछो, संस्कार असीं करावांगे, पूरा टाइम देंगे, सानू कोई दिक्कत नहीं है। पर कल तो ही संस्कार जिहड़े बंद कर देंगे जे साडी सुनवाई नहीं होणी। धन्यवाद। रुलिया राम कलोनी है जी गुरदासपुर दे, गुड़िया साडी सिस्टर मेरी, इन्हां दी मौत होई आ, करोना कोविड भी आ गया सी, विच होर भी डिसीज सी इन्हां नूं, ते अज इत्थे संस्कार करन आए आ। ते अज हुण पता नहीं शमशान घाट वालियां दी प्रॉब्लम है जां इन्हां दी पुलिस वालियां नाल कोई प्रॉब्लम है जां कोई आपसी गल आ, कि असीं सानूं खज्जल हुंदिआं नूं घंटा डेढ़ घंटा हो चुक्या, कि साढ़े सारिआं दा मैंटली लैवल इन्ना। अं कल भी एक संस्कार करके गए हाँ, अज भी आए हाँ, वो मदर ये अंदर बैठे आ, 70-75 साल के वह आ, हम साडा ये कोई कसूर नहीं गा, अं तो संस्कार करना। शमशान घाट वाले ने गेट बंद किया, सू प्रॉब्लम है कोई आना या पुलिस वाले की प्रॉब्लम है, असं की कह सकते हैं। देखो जी साढ़े लिए तो लाश की बेद भी हो रही है, पर अं हूँ इन्हों भी की कह सकते हैं, देखो इन्हों कि तकलीफ आ जा की प्रॉब्लम है भी, जोड़ा इन्होंने बॉडी नहीं अंदर बन दिती, संस्कार करने तो मना कर दिता तो इन्होंने गेट बंद किए हैं जी, हम अगों हम की कह सकते हैं अभी हूँ। नहीं जी इस कुड़ी का की दोष है, कोई दोष नहीं है, वो तो तुम जो पुछ सकते हो या प्रशासन को पुछ सकते हो। राजनीति कोई नहीं होनी चाहिए, साडा संस्कार कराया जाए तो होर भी लोगों को तंग ना किया जाए, इदां दे लोगों दे कोई सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई यो ही है भी इन्हों नू राजी रखा जाए बस, इस तरह का कदम ना चुकन। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ SHO ਜਬਰਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਟਾਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।